हेलो आई होप यू गाइज डूइंग वेल सो आनंद महिंद्रा साहब ने एक ट्वीट किया है ज़िंदा बंदा गाना गाने के ऊपर और उन्होंने शाहरुख खान साहब को कहा है कि जिस तरीके से वो एकदम ग्रेविटी को डिफ़ाई कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी एजिंग प्रोसेस बहुत ही कमाल का हो रहा है उसकी तारीफ करी और फिर शाहरुख साहब ने उसका रिप्लाई भी किया और किस तरीके से वो इंटरटेन करना चाहते हैं ऑडियंस को और Uh, बहुत ही बहुत ही कमाल का आई थिंक एक, एक तरीक़े का इंटरेक्शन था एक बहुत आई थिंक दिलचस्प सा एक हम ये uh, एक दौर देख रहे हैं जब uh, शाहरुख खान अपने 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 ख्यालात को uh, ट्विटर के ज़रिए से जो है वो सामने रख रहे हैं और वो खबर बन जाती है और फिर हर सारे के सारे पब्लिकेशन जो हैं वो उसको पिकअप कर लेते हैं दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फेज़ ज़िंदा बंदा की अगर हम बात करें तो जिस तरीके का रिस्पॉस मिल रहा है गाने को आई थिंक वो एक्स्ट्रॉडनरी है इसमें कोई शक नहीं है कि देट uh, ये मैं तो खैर हमेशा मानता हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर अगर हम uh, टॉम क्रूज़ को देख लें जिस तरीके से स्टन्ट्स वो कर रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल में जिस तरीके से उन्होंने रनिंग करी है मिशन इम्पॉसिबल में लेटेस्ट वर्जन में तो आई थिंक वो वो तो एक आपके डिसिप्लिन के ऊपर है आपके आपके जज्बे के ऊपर है आपके आपकी मेहनत के पर है एंड uh, इसमें कोई डाउट नहीं है कि द शाहरुख खान इज लुकिंग एक्स्ट्रॉडनरी एज जिंदा बंदा इज़ फार्ड और तो एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर ऑलमोस्ट uh, हज़ार करीबन लड़कियाँ हैं और uh, सानिया मल्होत्रा और uh, मनी जिस तरीके से उनके साथ में एकदम बिल्कुल कंधा बकंधा, शाना बशाना जिस तरीके से डांस कर रहे हैं वो बहुत ही आई थिंक दिलचस्प लगता है तो गाना बहुत बड़ा हो चुका है ऑब्वियसली uh, फिल्म बहुत बड़ी हो चुकी है और हर पहलू उस फिल्म से जो जो नया नया सामने खुल रहा है वो लोगों को पसंद आ रहा है और उसमें एक एक पॉजिटिविटी छुपी हुई है आ, फिल्म से मुतल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि अभी आगे किस तरीके के नए 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 प्रमोशनल हम स्टाइल्स देखेंगे बिकॉज़ ये एक बहुत ही अलग तरीके का स्टाइल शाहरुख खान ने चूज़ किया है आ, और एक्चुअलीज़ ने चूज़ किया है अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए ट्रेडिशनल जो भी जरिए होते हैं उससे बिल्कुल ही ये मुख्तफ है बिल्कुल ही अलग है और आ, लोगों से कनेक्ट कर रहा है इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ़ैन से कनेक्ट कर रहा है जनता से कनेक्ट कर रहा है बिकॉज देखिए फैन से तो हर कनेक्शन हो ही जाता है लेकिन यह है कि इट्स द न्यूट्रल ऑडियंस एक जैसे कि हमने हमेशा कहा है जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो फिल्म को बड़ा बनाती है और वो भी जुड़ रही है उसके बारे में बात हो रही है चाहे वो लुक के बारे में हो चाहे वो कपड़ों के बारे में हो चाहे वो एक म्यूज़िक के बारे में हो एक एक पूरे एक्साइटमेंट के बारे में हो सो आई थिंक इट्स 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 अ वेरी वेरी एक्साइटिंग फेज राइट नाउ एज़ फार एज जवान कंसर्न आप कैसे देखते हैं इसको वट इज़ दैट यू हैव एज़ फार एज़ जवान कंसर्न आपकी क्या ओपिनियन है अपने ख्याल हमारे साथ जरूर शेयर करिए एंड विल बी ईगली वेटिंग फॉर दैट दिस फरी कनेक्टेड फ्राम कैनाडा स्टे कनेक्टेड डू सब्सक्राइब टू आई यूट्यूब चैनल